नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पथलगढ़ा प्रखंड अंतर्गत नोनगांव पंचायत के ग्राम नोनगांव में अवैध जमीन पर बन रहे मकान को अंचलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी गोविंद कुमार लाल ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से बंद करवा दिया है। बताते चले कि खाता संख्या 74 प्लॉट संख्या 69 और रगवा 4 डिसमिल है, जिसका मामला अदालत में लंबित है। उसके बावजूद भी द्वितीय पक्ष संजय राणा, विनोद राणा, मनोज राणा तीनों के पिता धर्मनाथ राणा व प्रबोध राणा पिता हेमराज राणा के द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए मकान बनाया जा रहा था। वहीं प्रथम पक्ष त्रिभुवन राणा पिता शिव सागर राणा का कहना है कि इस जमीन के कागजात मेरे पास हैं, फिर भी द्वितीय पक्ष के द्वारा बायजबरन मकान बनाया जा रहा है। वहीं राजस्व कर्मचारी गोविंद कुमार लाल ने दोनों पक्ष को निर्देश दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी पक्ष के व्यक्ति को उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। नहीं मानने वाले पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला जागृति मंच की द्रौपदी देवी ने बताया कि प्रथम पक्ष के द्वारा शिकायत दर्ज करवाया गया था। इसी के आलोक में हम सब महिला आज नोनगांव पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों पक्ष के अलावा राजस्व कर्मचारी गोविंद कुमार लाल, एसआई दिलीप यादव व सशस्त्र बल के जवान तथा कई ग्रामीण उपस्थित थे। त्रिभुवन राणा जो है सो बताए थे कि इनका जमीन 74 खाता 74 प्लॉट 69 रकबा 4 डिसमिल पर संजय राणा एवं अन्य के द्वारा जो है सो मकान बनाया जा रहा है। उस भूमि पर कल हम आकर स्थानीय जांच किया था। इन लोगों को काम रोकने के लिए कहा गया, परंतु इनके द्वारा फिर आज सूचना मिली कि कार्य चालू कर दिया गया है, इसलिए को रोकने के लिए हम लोग आए हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जो हमारा केवाला है और हम खतियानी रैयत के वंशज भी हैं और हिस्सेदार से कर दें, और इनका कहना है कि जो हम जो हैं सो नीलामी से ही ज़मीन लिए हुए हैं और दोनों पक्ष एक ही खतियानी के रैयत। कोर्ट में मामला चल रहा है, प्रथम पक्ष जो है सो अपना आवेदन दिया है। मेरे संस्था में आवेदन दिए हैं त्रिभुवन राणा, तो उसके तहत मैं आई यहाँ पर। देखिए कि पिछले बार 12 तारीख को यहाँ पर एक पंचायत भी हुई थी। पंचायत में तमाम ग्रामीण और यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रमुख, मुखिया सभी लोग उपस्थित थे और बुद्धिजीवी गण। उसमें फैसला हुआ कि जो भी ये जमीन का मामला है, अगर पेपर पर आते हैं तो दोनों पक्ष से रजिस्ट्री करा लेना चाहिए, ठीक है। और अगर पेपर पर नहीं आते हैं तो खतियानी में आते हैं, तो जो पाँच एकड़ जमीन प्रहलाद राणा जो कि हैं, 7 एकड़ नीलामी से लिए हैं, तो दोनों एक जगह मिला करके सभी ऐसे अपना में बंटवारा कर ले, ये हुआ। अगर बंटवारा पेपर नहीं मिलाते हैं तो फिर कागजात पर रहते हैं, तो फिर दोनों का पेपर जायज है उस हिसाब से, तो दोनों से रजिस्ट्री लेना होगा। तो फिर कहा गया कि जो राजू राणा वगैरह की जमीन है उन लोग दे देंगे, उसके बाद ऐसे फैसला होगा, उसके बाद काम को चालू किया जाएगा। तो इसमें कुछ फैसला हुआ नहीं, फिर काम चालू हुआ। अब मेरे आवेदन के आधार पर मेरा संस्था से ये हुआ कि अपना महिला टीम जा करके देखिए क्या जायज नाजायज कौन कर रहा है। हम आए तो वाकई में हम देखे कि यहाँ पर काम चालू है। फिर हम प्रशासनिक विभाग में गए, थाना प्रभारी से मिले, थाना प्रभारी फिर ऐसे आए और उसी अंचल अधिकारी से बात किए, वो किए कि हम अपना दे रहे हैं कर्मचारी को ले जा करके, और मामला ताकि कोर्ट में भी चल रहा है। तो जब तक कोर्ट इन लोग मान जाता है पंचायत में, ठीक है, बीच में नहीं मानता है तो न्यायालय से जब जिनका आदेश आएगा उसी हिसाब पर काम होगा, तब तक दोनों तरफ से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अभी इस तरह से लिखित बना है। और बाकी जहाँ तक होता है कि न्याय दिलाने का काम होता है, हम लोग न्याय के लिए आगे रहते हैं। हम न्याय का आदमी हैं, किसी का आदमी नहीं है, इंसाफ का, इंसाफ के डगर में चलने वाले हैं। इंसाफ के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, अगर हम किसी को अन्याय नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो।